मिल गया सुकून। सुकून जो होता है ना, ये पहाड़ों में ही ये सुकून है। नौकरी गया बाहर में, हम चले पहाड़ में। पहाड़ और नदी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ सब लगे सुबह भले से और मैं भले आसूँ। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं शिलोंग से चेरापूंजी तक, लेकिन बहुत बारिश हो रही है और अभी सुबह की 6 बजने वाली है, 15 मिनट्स बाकी। और होटल तो ज़बरदस्त था और ये उन लोग का डाइनिंग हॉल है। उन लोग का इतना अच्छा मौका था कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, लेकिन भाई बोल रहे अगर तू ब्रेकफास्ट करेगी तो ये स्पॉट मिस हो जाएगा। मैंने बोला यार ब्रेकफास्ट तो क्या है, ब्रेकफास्ट में मिस कर सकती हूँ लेकिन स्पॉट मिस नहीं कर सकती। भाई बारिश देखो यार, हम लोग अम्ब्रेला लेके आए थे बट एक ही अम्ब्रेला लेके आए थे यार, बहुत बारिश हो रही है। गाइस हम लोगों ने पॉइंट्स लिख के आए थे कौन से पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, लेकिन ये इतना बारिश है मुझे समझ में नहीं आ रहे क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। गाइस अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है। गाइज हमारे पास एक अम्ब्रेला था और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि और एक अम्ब्रेला लेने के लिए एक दुकान हम लोग को खुला मिला, क्योंकि बहुत सुबह हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं, और अम्ब्रेला ले लेते हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं चेरापूंजी जहाँ पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट बारिश होती है। यहाँ पे मैं हमेशा बचपन में सोचती थी कि यार ये लोग कैसे रहते होंगे यार, लाइक 24 आवर्स अगर बारिश ही होते रहते, हर सीजन में बारिश ही होते रहते कि कैसे लोग रहते होंगे। कपड़ा भी नहीं सूखता होगा उन लोग का, उन लोग को सूरज भी नहीं दिखता होगा। जा रहे चेरापूंजी, वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है, 7 सिस्टर वाटरफॉल है, वो मुझे देखने के लिए बहुत मन था क्योंकि मैंने शायद से जब स्कूल में थी तभी मैं वो देखने के लिए गई थी एक बार। और वहाँ पे वो ब्रिज है जो कि मैन मेड नहीं है, नेचर से बनी हुई ब्रिज है, और ये ऐसी जगह है ना जो कि नेचर और इंसान साथ मिलके रहते हैं। गाइस देखो कि ये चेरापूंजी वाला जाने वाला रास्ता है और मॉर्निंग में कैसा दिखता है। दो रास्ता है, एक दाउकी जाने वाला और दूसरा है चेरापूंजी जाने वाला। सो दोनों हम लोग कवर नहीं कर सकते एक दिन में, सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चेरापूंजी वाला जगह पे जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत सारे स्पॉट हैं जो दिखाने लायक और देखने लायक और बहुत ही फेमस है, सो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। शिलोंग में घूमने आने का मजा तभी होता है जब मॉनसून टाइम में बारिश जब होती है, तभी अच्छा लगता है ज्यादा, है ना? तो लोग कैसे रहते हैं, मैं हमेशा सोचती थी पहाड़ में लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी है, देखो अच्छा ग्रीनरी दिख रहा है। बारिश तो यहाँ पे यार होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बारिश का, फ्रेश हवा एकदम है, तो पोल्यूशन नहीं एक नहीं है ना। पेट्रोल डालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और गाइस ठंडी है यार, मैंने तो कुछ लेके नहीं आया, मैंने सोचा था यार मैंने जैकेट लेके आई हूँ, एकदम फुल कॉन्फिडेंट में थी कि मैं जैकेट लेके आई हूँ, और मैंने इसलिए पुलिस बाजार से कुछ भी नहीं खरीदा था जैकेट वगैरह, लेकिन मम्मी के लिए एक शॉल खरीदे थे, मैंने बोला थैंक गॉड मम्मी के लिए खरीदे। मम्मी ने बोले कि शॉल खरीदने की लगा ठंडी लगेगी बहुत ज़्यादा तो इससे काम चलाने पड़ेगा, अदरवाइज ठंडी तो है। और बारिश भी बंद हो गई, अभी बहुत साफ तरीके से दिख रहा है एकदम, कितना अच्छा ग्रीनरी दिख रहा है। ऐसा वेकेशन होना चाहिए कि तुम मेहनत करो सिटी में और जब वेकेशन हो तुम हमेशा
नेचर वाली जगह में जाइए वेकेशन के लिए, क्योंकि तुम्हारे दिल दिमाग को पूरा सुकून चाहिए होता है. सो कभी मुझे लगता है ना, वेकेशन के लिए कहीं सिटी में नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो, आउट ऑफ कंट्री जैसे भी जाना होता है, एकदम नेचर वाली जगह पे जाना चाहिए. सिटी घूम के कुछ फ़ायदा नहीं है. सिटी में काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन सुकून तो यार नेचर में ही है, पहाड़ में ही है. मारुति सुजुकी जो अभी भी चल रही है यहाँ पे, तो रैपर सर भाई की साख अभी चाय मिलते है? दूध चाय. चाय कप 20 रुपये का और बिस्किट लिया 10 रुपये का. पता है यहाँ पे ज्यादातर औरत लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ पे शिलोंग में ज़्यादा लोग खासी लोग रहते हैं, और मोस्टली मतलब 90% अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे औरत लोग ही बिजनेस करते, मतलब सब कुछ करते, ज़्यादातर औरत लोग ही बाहर काम करते. ऐसा दुकान खोल देगा, होटल खोलेगा, सब्जी वगैरह बेचेगा मार्केट में आके. सो ज़्यादातर औरत लोग ही करते हैं. गाइस ये जो साउंड सुनाई दे रहा है वो साउंड किस चीज का पता है आपको? ये झरना का. कितना साफ पानी है देखो. अरे ऊपर से एकदम नौकरी गया बाहर में, हम चले पहाड़ में. वाओ ये मैं फूल तोड़ूंगी भाई जी. ये देखो कितना अच्छा फ्लावर है. हाँ देखो कितना सादा फूल है. देखो ये सब सारा वाइल्ड फ्लावर. ये सब देखो बैम्बू ट्रीज, वो है बनाना ट्रीज. हमारे इंडिया की ऐसा पार्ट है ये जहाँ पे इतनी क्लीनिनेस है, मतलब रास्ते में एक पत्ते भी आपको दिखाई नहीं देगा. स्काइज आपको दिख रहे कहीं पे गंदगी? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा गंदगी. गाइस मैं इतना खुश हो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. झरना की आवाज़ आ रही है आपको? यहाँ पे कोई तो कुछ तो झरने है यार, नीचे जाओगे तो झरना मिलेगा. यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट कितना साफ सुथरा है ये. हाँ ये ब्रिज भी कितना अच्छा है यार. ओह माय गॉड कितना खूबसूरत जगह है. वाओ कितना सुंदर रोड. सुकून जो होता है ना
कि ये पहाड़ों में ही ये सुकून है। लोग बोलते हैं ना पहाड़ क्यों जाते हैं, इसीलिए सुकून ढूंढने के लिए हम पहाड़ चलते हैं। पैसा कमाने के लिए हम सिटी में जाते हैं और सुकून ढूंढने के लिए हम जाते हैं पहाड़ में। अरे सभी ये देखो यहाँ पे बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से कितना ज्यादा हाइट है यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक्टिविटीज सिर्फ पूरे असम में बंजी जंपिंग सिर्फ यहाँ पे ही होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब पूरे शिलोंग में, ये जो चेरापुंजी के पास में। सो हम लोग वो सब एक्टिविटी तो कर नहीं सकते अभी, इतना टाइम है नहीं। सो बाद में कभी आएंगे सिर्फ एक्टिविटी करने के लिए। जो लोग सिर्फ एक्टिविटी करने के लिए आते हैं ना, तो सिर्फ वही एक्टिविटी ही करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है। मैगी मिलता है? मिलता है नहीं? दो प्लेट बनाओ ना, टिक्की वाली। हाँ, एक टिक्की वाली। अच्छा, एक मीडियम, एक टिक्की वाली। पर प्लेट कितना है? 40 रुपीस। ओके, मनाली मनाली फील है इसको। এখন দোকানৰ পৰা লৈ লোৱা কাৰণে এখন দোকানত কোনোৱে যোৱা নাই চা, বেয়া লাগিছে, মোৰ দুখ লাগিছে। यहाँ पे सारा कोई खरीद रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ से भी लेंगे कुछ। हेलो, चिप्स दोगे? ये वाला कितने का है? ये वाला 25। ये वाला ठीक है, एक दे दो मुझे। ये वाला खुद ले लो, या ये लो। वाह, 5 नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। Which one is less spicy? ये देखो मेरी प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ये फ्लावर रख देंगे, ये हो गया मेरी प्रेजेंटेशन। हम खाने जाएंगे वहाँ पे, चलो। पहाड़ और मैगी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सही है। मैगी ऐसे खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पहाड़ की मैगी अच्छा लगता है। कुछ अलग ही स्वाद है इसका। मैं मैगी जो बनाती हूँ वो वैसा वाला नहीं बना है, बहुत टेस्टी मैगी। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले जो हमारी जर्नी थी शिलोंग से चेरापुंजी तक, वो सबसे बेस्ट था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया,
मैगी खाए रास्ते में रुक के, फ्रेश हवा लिए, फिर मैंने तो फ्लावर तोड़े, बहुत अच्छे लगे। सो गाइस, हमारी फर्स्ट स्पॉट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और वो है गार्डन ऑफ केप्स। सो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलना मत और बाय बाय, फिर से मिलेंगे।